हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में ही कट कर लिया है बिटर गार्ड, और ये इसमें से एक थोड़ा सा पका हुआ था तो उसको मैंने साइड कर दिया है। बाकी सबके कटिंग कर ली है, छोटे छोटे पीस में कटिंग करी है। और यहाँ मेरी बालकनी में ग्रीन चिली का एक पौधा लगा था तो उसमें चार पांच ग्रीन चिली छोटी छोटी आ भी गई हैं। ये देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी हैं, एक थोड़ी सी बड़ी है। तो बहुत खुशी हुई, मतलब इनको देखकर बहुत अच्छा लगा कि चलो। और यहाँ पे मैंने बना ली है चाय, तो यहाँ पे चाय छान लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके काव्यांश और लविशा को दूँगी। तो अभी काव्यांश तो सो रहा है तो लवी उठ गई है, तो लवी को दे दूँगी, वो यहीं पे खड़ी हुई है। और थोड़ी सी चाय दूंगी अपने हस्बैंड को। और यहाँ पे लवी आ चुकी है तो मैं उसको उसका कप दे देती हूँ। वैसे ही काव्यांश का है पर लवी पी रही है अभी इसमें। और ये मेरी चाय। और यहाँ पे स्पाइसेस थोड़े से ख़त्म हो गए थे, मीन्स मेरे पास धनिया तो था नहीं, हल्दी पाउडर और चिली पाउडर ख़त्म हो रहा था। तो ये छोटे छोटे पाउच आते हैं उसके, टाटा संपन्न का जो भी है, अब क्वालिटी तो अच्छी थी तो वही लेकर आया था, बोले ट्राई कर लेना, देखना कैसा है कैसा नहीं है। तो ये हल्दी मिर्ची धनिया सब लिया माय चैनल। और अभी ये सुबह मैंने कट कर लिया था मॉर्निंग में, और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। और नहाने जाने से पहले मैंने दाल बॉयल के लिए चढ़ा दी थी तो ये हो गई है। और यहाँ पे ये टमाटो और ग्रीन चिली कट हो गया है। तो बस अब लगाते हैं फटाफट से ये जो करेले की सब्जी है इसका तड़का, और दाल बनाऊंगी, थोड़े से राइस बनाऊंगी एंड बनाऊंगी रोटी, बस इतना ही बनाऊंगी। और आज है मंडे तो अभी किसी काम से बाहर गए हैं तो थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा। और ये देखिए लवी, इसने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी है। मेरे टमाटो और ग्रीन चिली कट करके रख दिए थे तो इतनी सी हेल्प इसने कर दी है, थैंक यू लवी, वेलकम। तो चलिए चलते बनाते हैं। के साथ एक ओनियन या दो ओनियन जितने भी आप डालना चाहें तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसमें ओनियन भी कट करके डाल सकते हैं। यहाँ मैंने इसको लगा दिया है तड़का, इसमें मैंने डाला है राई, जीरा, हरी मिर्च और थोड़ा सा ओनियन, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और लेमन जूस डाला है थोड़ा सा, और बचा हुआ ये भी इसमें ऐड कर दिया करेला। बस ये रेडी हो गई है। लेमन जूस से बहुत अच्छा मतलब टेस्ट भी आता है और ओनियन तो बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, तो मैं हमेशा ज़रूर डालती हूँ। दाल का तड़का, यहाँ पर भी मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा ज़ीरा। देखिए मस्टर्ड ऑयल में ऐसे ही होता है, इतने सारे बबल्स आते हैं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसको ढक देते हैं, इसमें लगा रहे हैं अपना तड़का। तो यहाँ मैं डालूंगी थोड़ी सी ग्रीन चिली, चिली पाउडर थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा और लूँ, उसके बाद पाउडर ऐड करूंगी इसमें, उसके बाद ऐड करूंगी ये टमाटर, मिक्स कर लें, इसमें यहाँ थोड़ा सा ऐड कर दिया है नमक, क्योंकि नमक ऑलरेडी दाल में है तो कम ही डालूंगा। फिर देखिए काव्यांश आया, मैंने आटा छान के रखा, उसको उठा उठा के ऊपर डाल रहा है कढ़ाई के ऊपर। और यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ आटा, काव्यांश तो वैसे ही काम करके चला गया है, तो बस फटाफट से आटा लगा लूंगी, उसकी नजर यहीं पे तो चल जाएगा कि मैंने आटा डाला है। ये आटा किसने डाला है इसके ऊपर, क्यों डाला है इसके ऊपर, पता चल रहा है क्या, पता चले कि पक गया अच्छे से या नहीं, तो इससे क्या पता पड़ेगा, इससे तो आपने इसको और गंदा कर दिया। देखो पता चलेगा, ये देखिए काव्यांश आके यहाँ पे आटा डाल के चला गया इसके ऊपर। देखिए इसे मेरे वहाँ पे किचन में आटा डाल के यहाँ पे पढ़ाई करने बैठ गया। पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पता नहीं कोई कागज चेक कर रहा है, देखना पापा के काम का तो नहीं हो। मम्मी ये देखिए आटे के लिए मक्खन लगा रहा है, आटा लेने आया है यहाँ पे, तो
तो इधर ये हो गया है तड़का कंप्लीट। धनिया है नहीं क्योंकि धनिया बारिश की वजह से बिल्कुल आ भी नहीं पा रहा है और बहुत महंगा है, मतलब 160 रुपए एक किलो का। तो कोई भी ठेले वाले जो आते हैं वेजिटेबल वाले, कोई भी लेके नहीं आ रहे, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा अभी। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये मेरी दाल, ये देखिए। बिना धनिया के तो खाना पूरा कंप्लीट हो ही नहीं पाता, बट अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और हो सकता है थोड़ा सा मुझे लगेगा तो मैं घर में थोड़ा सा उगा लूँगी, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाया तो कुछ नहीं। फिर ऐसे इसको देख लेते हैं खोल के क्या हुआ इसके साथ। हो गई है डन। पता है मैंने जब इसको काटा ना तो इसमें जो ये जो करेले के बीज होते हैं ना, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं हटाया क्योंकि जब ये हम बाइट करते हैं ना तो बहुत क्रंची अच्छे लगते हैं, तो इसलिए तो बीज के साथ ही कट कर देती हूँ मैं। नहीं पसंद हो तो हटा भी सकते हैं। तो ये हो गई है डन, बंद कर देती हूँ इसको मैं और थोड़ा सा ढक देती हूँ अभी। यहाँ पे मैं थोड़े से राइस है उनको मतलब फटकार लेती हूँ यहाँ बालकनी में, जो भी डस्ट वगैरह हो उसके अंदर। इनको वॉश कर लेती हूँ, नल में टंकी का पानी आता है तो इससे वॉश करने के बाद मैं एक बार अच्छे पानी से और करूँगी। मैं तीन बार वॉश करना चाहिए तो एक बार यहाँ से और दो बार वहाँ से वॉश करूँगी दूसरे पानी से। देखिए दूसरा पानी है, ये टंकी का पानी है, ये मैं अलग से भरती हूँ वो पानी है। और इसके बाद एक बार और वॉश करूँगी, तो तीन बार वॉश करने से जो भी पॉलिश वगैरह होती है सब निकल जाती है। तो ये था पानी और ले लिया मैंने, अब इससे भी वॉश कर लूँगी एक बार। अभी अच्छे से वॉश हो चुके हैं, और यहाँ मैंने साइड में दाल वाले कुकर में ही पानी लिया है और इसी में मैं चावल डाल दूंगी। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक और इसकी लिड लगा देती हूँ। और इसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें एक चम्मच घी डाल दें। मैं डाल दिया मैंने एक चम्मच घी, तो चावल बहुत अच्छे टेस्टी बनेंगे। अब लगा देते हैं इसकी, देखिए इसके रेट लगा देते हैं। दाल हो गई है डन, लेकिन बिना धनिए के अनकम्प्लीट लग रही है मुझे, बट क्या करें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अब ऐसे ही काम चलाएंगे। दाल थी ना इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लेती हूँ क्योंकि ये आयरन की कढ़ाई है, तो इसको इसमें डाल लेती हूँ क्योंकि फिर आयरन का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें तो टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे चावल भी हो गए हैं, सीटी आ चुकी है, और इधर मैं रोटी सेक लूँ। और शुरू की वही दो रोटी मैं गाय की निकालती हूँ, सो पहले फर्स्ट टाइम वही निकालूंगी, उसके बाद ये इतना आटा, आटा थोड़ा कम ही लगाया है क्योंकि राइस है तो दोनों हो जाएंगे। गाय की दो रोटी हो गई हैं और ये है। और मेरे से ना अब कभी भी रोटी बिल्कुल गोल नहीं आती है, देखिए ये भी गोल नहीं है तो ये भी नहीं है, तो गोल आती नहीं है। पहले एकदम गोल आती थी, अब अपने आप से पता नहीं क्या हुआ आना बंद हो गई है। तो ये गाय की रोटी में भी लगा देती हूँ घी। थोड़ा सा बीच में चीनी रख के और ये गाय को दे देंगे।
रोटी फुस हो गई, फूली नहीं। ऐसा हुआ ये बहुत भारी है ये। तो अब बना लेती हूँ फटाफट से सारी रोटियां। ये दूसरा वाला फूल गया है, पर ये भी आधा ही फूली है। कभी कभी होता है ऐसा, ये भी रोटी नहीं फूलती है ढंग से अच्छे से। ये ऐसा हुआ है, अच्छा करारा करारा। और रखूंगी थोड़ा सा राइस और करेले की सब्जी, थोड़ी सी ये सब्जी भी रख देती हूँ करेले की। तो ये थाली हो गई है डन और रख कर आती हूँ मैं। ये आपकी काव्यांश, ठीक है पूरा फिनिश कर देना। ये लविशा के लिए लगाया है, इसके लिए लगा देती हूँ थोड़ा सा। तो ये लवी की हो गई डन। चलिए देख कर आते हैं। लो लवी, टेबल सही रखना, एक तो गिर जाए टेबल, ठीक है। घी लगा हुआ है ना उसपे, क्यों नहीं? करेला खाना चाहिए बेटा। रोटी और सब्जी भी खानी है, खाली राइस राइस नहीं खाने। ले भी खानी है, ले भी खानी है और ले भी खानी है, सारा फिनिश करना है। वॉशरूम आ रहे हैं, जाओ करके आओ वॉशरूम। ये देखिए किचन में क्या हाल हुआ है, मतलब इतनी गर्मी लग रही है, पसीने पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। बाहर हो रही है बारिश और अंदर हो रही है उमस, तो इतनी गर्मी हो गई है। कर रहा है पूरा हाथ काले कर लिए हैं, ऐसा वाटर कलर करते हैं क्या? हाँ। और ये मुंह पे भी ने करा है और हाथों में मैंने करा है। ये फेस पे किसने लगाया? लव दीदी। लवी दीदी ने लगाया, पूरा मंकी बिल्ली बना दिया आपको। ये कौन सा डीआईवाई करा है, दिखाना। मम्मी आप तो मेरा कर दो। ये तो क्या बनाया है, एक और दिखाऊं? फेस पे भी लग रहा है, इसको भी फेस पे लग रहा है, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए लवी ने क्या बनाया है, डीआईवाई करा है, कार्टून्स बनाए हैं इसमें, पत्थर है ये। यहीं पे करते हैं अपने वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड।